नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया ग्रीन लोकेशन के ऊपर 2 BHK फ्लैट, जिसके अंदर आपको लिफ्ट मिल जाएगी, कार पार्किंग मिल जाएगी और काफ़ी चौड़े रोड मिल जाएंगे। द्वारका सेक्टर 23 की लोकेशन पे ये खूबसूरत प्रॉपर्टी आज आपके लिए लेके आए हैं। बहुत ही बढ़िया, बिना किसी देरी के आपको हम पूरा फ्लैट दिखाना शुरू करता हूँ। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी इस प्रॉपर्टी का रेंटल और बची हुई डिटेल्स हैं उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन के मोर बटन पर क्लिक करके उन्हें पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको फ्लोर ऑप्शंस, करंट क्या है, इसका स्टेटस, सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइज, दिस इज़ अ ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी जिसके अंदर अभी भी फिनिशिंग टचेज आपके कुछ कुछ बाकी हैं और बाकी ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी 99% कम्प्लीट है। ये आपका स्टेयरकेस है जिसे लेके आप अपनी प्रॉपर्टी तक आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे फिलहाल लिफ्ट के लिए स्पेस छोड़ दिया गया है, अभी लिफ्ट इंस्टॉल नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द लिफ्ट भी इंस्टॉल हो जाएगी इसके अंदर। क्या पता जब तक आप मूव इन या फिर जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम तक आपको यहाँ पे पूरी की पूरी लिफ्ट एंड ऑल सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। मैंने एक चीज़ मिस कर दी, मैं आपको दोबारा से बाहर आके फ्लोर प्लान दिखा देता हूँ। इस फ्लोर प्लान के ऊपर हमें 2 फ्लैट्स मिलते हैं हर फ्लोर के ऊपर। एक फ्लैट आपका ये है और एक फ्लैट आपका इधर है। बिल्कुल सिमिलर लेआउट है तो दोनों को दिखाने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि उसमें आपका टाइम ज़ाया होगा। यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे जो आपको लिविंग हॉल मिलता है इससे आपका जो किचन है किसी को भी नहीं दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ी और प्राइमरी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है उसको मैच करती हुई प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास एक 2 BHK बनाने का अपॉर्चुनिटी है और कुछ इस तरह का आपको उसके अंदर लेआउट मिलता है तो आप भी इस तरह से इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको डायमेंशंस बता देता हूँ, क्या डायमेंशन है इसमें। 1, 2, 3, 4, 5 करीब करीब आपको यहाँ पे 10 फीट के आसपास का एरिया ऐसे मिल जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 + 7 14 फीट का एरिया आपको ऐसे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको 10x14 के स्पेस में ये लिविंग हॉल मिलता है। एक बार ऊपर की तरफ हल्का सा कैमरा देखिए, यहाँ पे आपको फ़ैन और कंसील लाइट्स मिल जाएंगी। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पे नहीं है बट POP से कुछ ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ आर्टवर्क आपको मिल जाएगा, जैसा कि हमारा देश का झंडा होता है कुछ उस तरह का, हरा और नारंगी। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है हमारा किचन। किचन बहुत ज़्यादा स्पेशियस बना हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा मे बी लाइटिंग के अंदर आपको कुछ कमी लग रही हो, पर नहीं ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे लाइटिंग का क्या स्टेटस है। बाकी साइज़ यहाँ पे अच्छा मिलता है आपको, करीब करीब 6 फीट की चौड़ाई मिल जाती है और यहाँ से अगर हम गहराई देखते हैं तो करीब करीब आपको मिल जाता है 6, 7, 8 फीट के आसपास आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पेस मिलता है किचन के अंदर, जहाँ पे सामने एग्जॉस्ट प्लस वेंटिलेशन जो है हमारी शाफ्ट के थ्रू आपको किचन में मिल जाता है। यहाँ से हल्का सा पीछे जाते हैं तो आपको लेके चलते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम के अंदर। दिस इज़ योर कॉमन वॉशरूम जिसका साइज़ हमें मिलता है 6x5 और वेंटिलेशन हमें मिलती है ठीक बाहर की। और इस प्रॉपर्टी में जो बचे हुए दोनों बेडरूम्स हैं हमारे, वो मिलता है हमें एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहाँ से लेके चलते हैं आपको हमारे बेडरूम नंबर 1 में। सो दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 1, जहाँ पे हमें साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। साइज़ आपको करीब करीब 10 फीट ऐसे और 10 ही फीट ऐसे मिल जाएगा। तो 10x10 इस बेडरूम के अंदर काफ़ी अच्छा साइज़ मिलता है आपको और दूसरा बेडरूम इससे भी ज़्यादा बड़ा है। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रीन एनवायरमेंट मिलेगा बाहर की ओर और यहाँ पर हमें मिल जाती है बड़े साइज़ की वार्डरोब की प्लेसमेंट। दोस्तों एक बार कैमरा ला के आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक बार इन कब्जों पे ज़रा जूम इन जूम आउट करके देखिए, बिल्कुल गौर से देखिए। आजकल के जो नए वाले कब्जे हैं जो मॉड्यूलर फिटिंग्स में यूज़ होते हैं, सही बताऊँ वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। अगर आप अपने घर के अंदर लकड़ी का काम करवा रहे हैं इन वाले कब्जों का प्रयोग कीजिए। ये पिछले 10 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, एक बार लगने के बाद सालों साल चलते हैं। यहाँ से आते हैं हमारी बालकनी के अंदर, तो ये हमें मिल जाता है हमारा बालकनी स्पेस। एक बार उधर जाके गहराई से आपको लंबाई दिखाते हैं इस पूरे बालकनी स्पेस की। तो ये है हमारा बालकनी स्पेस, साथ ही साथ इतना ग्रीन बढ़िया आपको व्यू मिल जाता है सामने। और इसी बालकनी को क्रॉस करके आप आएंगे तो आपको हमारा फाइनल बेडरूम मिल जाएगा, बेडरूम नंबर 2। इस बेडरूम का साइज़ अगर आप देखते हैं तो ये हमें मिलता है 12x11 फीट, 12x11 के साइज़ में आपको ये वाला बेडरूम मिलता है जिसमें
वेंटिलेशन आपको मिलती है इस बड़ी सी विंडो की। ये बड़ी सी विंडो आपको सामने एकदम ग्रीन और अच्छा सा व्यू देती है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्लाइडर अलमीराज की प्लेसमेंट मिल जाती है। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है, और यहाँ से अगर आपको बाहर निकलना है या फिर मार्केट तक जाना है तो आपको प्रॉपर्टी से बाहर निकलते ही मार्केट मिल जाएगी या फिर ई रिक्शा मिल जाएगा जो आपको सेक्टर 21 तक लेके जा सकता है, जो कि आगा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। बाकी रोड्स काफ़ी ज़्यादा खुले हैं, चौड़े हैं और ग्रीन स्पेस, ग्रीन एरिया काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप एक ग्रीन प्रॉपर्टी देख रहे थे जहाँ से आपको व्यू और वेंटिलेशन बहुत अच्छा आए, तो आप ये प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे द्वारका 23 रहेगी, और इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें लिफ्ट, कार पार्किंग स्पेस और हर फ्लोर पे केवल 2 यूनिट इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। इट्स अ गुड प्रॉपर्टी। अगर आप ऐसी एक प्रॉपर्टी देख रहे थे तो इस प्रॉपर्टी कोड को नोट डाउन करके हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। इस तरह के सेल के ऑप्शंस के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे पास हर तरह की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल रहती हैं। आशा करते हैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो भी नीचे कमेंट्स में बताइए, नहीं पसंद आई है तो भी नीचे कमेंट्स में बताइए क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सब कुछ हमें जानने का अधिकार है ताकि हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें और आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रॉपर्टीज लेके आ सकें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।